हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अपग्रेड। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसमें ना ही कोई इंटरव्यू होगा ना ही कोई एग्ज़ाम होगा, और ये जो एप्लीकेशन इसका फॉर्म है वो फ्री है। और ये दूसरी बात, इस फॉर्म को जो है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भी फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर, जो मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है, उसमें ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। और इसमें जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट, बीई और बीटेक के कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। बात किया जाए कौन से ब्रांच के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। और जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है वो 61 है, 22 जो है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है और 41 जो है बीटेक और बीई कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे जो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते जो अभी जिनका अभी डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है रनिंग पे है या फिर चल रहा है या उनका जो रिजल्ट जो है अभी आया नहीं है, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। देन यहाँ पे बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें ना ही कोई इंटरव्यू होगा ना ही कोई एग्ज़ाम होगा। इसमें होगा क्या, जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके जो परसेंटेज आए होंगे उनके डिग्री या फिर उनके डिप्लोमा में, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। तो यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम और इंटरव्यू वगैरह नहीं है। देन अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का फॉर्म है। ये ऑफलाइन मोड है, फॉर्म को आपको भर के फिलअप करके भेजना है, तो आप या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, नहीं तो आप www.mpcg.co.in पे जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे एड्रेस जो दिया हुआ है, मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। एड्रेस जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये है एड्रेस। इस एड्रेस पर आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म को फिलअप करके 7 जुलाई से पहले सेंड कर देना है। तो उस फॉर्म में जो आप साथ में डालेंगे उसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, स्टैम्प साइज़ फ़ोटो होगा, देन 10th क्लास की मार्कशीट होगी, 12th क्लास की मार्कशीट होगी, देन डिग्री एंड डिप्लोमा के मार्कशीट होंगे अगर आपके कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो, देन अगर आप जिस स्टेट के आप कैंडिडेट हैं उसका निवास प्रमाण पत्र, देन फ़ोटो आईडी का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सेंड करना है, मतलब अटैच करके आपको निर्धारित पते पे सेंड कर देना है। सो फ्रेंड, ये थी पावर ट्रेनिंग सेंटर जो एमपी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, उसमें आई हुई वैकेंसी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे टेक्निकल सेक्शन के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से टेक्निकल सेक्शन के वीडियो भी देख सकते हैं। अगर जनरल साइंस के वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ भी जनरल साइंस के वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पीएसक्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी जैसे कि एग्ज़ाम जो आने वाले हैं इंडियन रेलवे के, आपके NTPC की, NFL के, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार। चलिए आज मैं बस वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।